हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 एनर्जी के दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन एलपीजी। बहुत बार एग्जाम में ये पूछते हैं। अब कैसे हम इसका आंसर लिखेंगे, वो चीज बोर्ड पे लिख के रखी है, तो इसी हिसाब से पॉइंट वाइज हमें एग्जाम में लिख के आना है टू गेट दी फुल मार्क्स। तो आंसर कैसे लिखेंगे, फर्स्ट है इसका फुल फॉर्म एलपीजी का, तो फुल फॉर्म इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, एलपीजी हमें कहां से मिलता है, तो हम बोल देंगे कि वो पेट्रोलियम गैस से मिलता है, यानी कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट कंसिस्ट प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब एलपीजी के अंदर कौन से दो मेन कंपोनेंट होते हैं, तो प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी क्या, जिसके अंदर हाइड्रोजन भी हो कार्बन भी हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज कैप्ड अंडर मोर प्रेशर टू कन्वर्ट इट इन लिक्विड। यानी ये जो एलपीजी है वो बेसिकली एक गैस है, और वो गैस को हम बहुत ही ज्यादा प्रेशर पे रखते हैं, जिससे करके वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और बाद में वो जो लिक्विड है जो गैस से कन्वर्ट हुआ है हाई प्रेशर पे, वो लिक्विड जब सिलेंडर में से बाहर आएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर में आएगा, तब उसका प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण वो जो लिक्विड था वो वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इट विल कन्वर्ट इंटू गैस। पहले क्या किया, प्रेशराइज किया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। बाद में एटमोस्फेरिक प्रेशर में आया, प्रेशर कम हुआ, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, वापस से गैस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रैक्टर ट्रक्स एंड बसेस, आल्सो यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। अब एलपीजी कहां पे यूज होता है, एज अ फ्यूल, तो ट्रक्स में, ट्रैक्टर्स में, बसेस में, और एज अ डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे भी इसे यूज करते हैं। डोमेस्टिक यानी क्या, घर पे उसका यूज होता है रसोई बनाने में, जैसे कि हमारे एलपीजी के जो सिलेंडर होते हैं। नेक्स्ट है, नाउ डेज वॉट एवर एलपीजी इज सोल्ड इट contains large amount of propane। तो आजकल जो भी एलपीजी बाजार में मिल रहे हैं उसके अंदर ये जो प्रोपेन है उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, एलपीजी लीव्स लेस और नो इंजन डिपॉजिट इन सिलेंडर व्हेन इट बर्न्स एंड यूज्ड इन इंजिन। तो ये जो एलपीजी है वो इंजिन में यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि जब एलपीजी जलता है तब वो बहुत ही कम जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट यानी क्या, एलपीजी को जब हम जलाते हैं तब उसके धुएं में से जो भी कचरा होता है वो बहुत ही कम कचरा इंजिन के सिलेंडर के अंदर चिपकता है, जिसके कारण साफ सफाई आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एलपीजी यूज इन आईसी इंजिन मस्ट हैव हाई कंप्रेशन रेशियो अबाउट 10। अगर एलपीजी को हमें आईसी इंजिन में यूज करना है, इंटरनल कंबशन इंजिन में यूज करना है, तब वो इंजिन का कंप्रेशन रेशियो 10 से ज्यादा होना चाहिए। क्यों 10 से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नेसेसरी बिकॉज इट हैज हाई ऑक्टेन रेटिंग। क्योंकि एलपीजी का जो ऑक्टेन रेटिंग है वो बहुत ही ज्यादा है। अब ऑक्टेन रेटिंग क्या है, ऑक्टेन रेटिंग जो है वो फ्यूल की प्रॉपर्टी है, जैसे कि कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी फ्यूल की प्रॉपर्टी है, एंटी नॉकिंग है वो भी फ्यूल की प्रॉपर्टी है, ऐसे ही ऑक्टेन रेटिंग भी फ्यूल की प्रॉपर्टी है। एलपीजी का ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा है, इसके कारण जो इंजन है उसका कंप्रेशन रेशियो 10 से ऊपर होना जरूरी है। और लास्ट लाइन लिख लेना कि द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इज अबाउट 45,360 किलो जूल पर केजी। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू यानी क्या, प्रॉपर्टी है फ्यूल की, उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। अब कैलोरीफिक वैल्यू यानी क्या वो हम आगे पढ़ चुके हैं, यहां पर देख लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास 1 केजी एलपीजी है, वो 1 केजी एलपीजी को अगर हम जलाते हैं तब जितनी भी वो हीट रिजेक्ट करता है वो हीट को हम क्या बोल देंगे, वो हीट को हम बोल देंगे कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहां तक एग्जाम में लिखना है टू गेट दी फुल मार्क्स, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन सीएनजी। अब शॉर्ट नोट यहां पर लिखी है, ऐसे ही हमें लिखना है पॉइंट वाइज टू गेट दी फुल मार्क्स। तो सबसे पहले तो शॉर्ट नोट में हम क्या लिखेंगे कि जो सीएनजी है उसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस। अब हम बात करते हैं कि सीएनजी में मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, तो मेन कंपोनेंट्स आर मिथेन 90% होता है, इथेन 4% होता है, और प्रोपेन जो है वो 1 से लेके 60% जितना होता है। नेक्स्ट है, सीएनजी इज मेड बाय कंप्रेसिंग इट टू लेस देन 1% ऑफ इट्स वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। यानी क्या कि अगर हमें सीएनजी बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे कि ये जो तीन कंपोनेंट है, मेन तीन कंपोनेंट है, उसको मिक्स करेंगे, उसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम से 1% कम तक हम उसे कंप्रेस करेंगे। उसे कंप्रेस करने पर क्या बन जाएगा, हमारा सीएनजी बन जाएगा। और कैसे, स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर पे हमें वो काम करना है।
नेक्स्ट है सीएनजी इज कैप्ड एट अ प्रेशर ऑफ 200 बार टू 220 बार, यानी सीएनजी को अगर हमें स्टोर करना है, रखना है, तो कितने प्रेशर पे रखना पड़ेगा, 200 बार से लेके 220 बार तक। नेक्स्ट है ड्यू टू इट्स एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी इट कैन बी सेफली यूज्ड इन आईसी इंजन विथ हायर कंप्रेशन रेशियो। अब ये जो सीएनजी है उसके पास एक प्रॉपर्टी है जो कि है एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी के कारण सिलेंडर जो है उसका ब्लास्ट नहीं हो पाएगा कंपेयर टू अदर फ्यूल्स। तो जिसके कारण ये जो हमारा सीएनजी है उसे हमें हम सेफली यूज कर सकते हैं आईसी इंजन में, और आईसी इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होगा वो कैसा होना चाहिए, हायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीएनजी का भी ऑक्टेन नंबर ज्यादा है कुछ। नेक्स्ट है सीएनजी इज नॉन टॉक्सिक एंड लाइटर देन एयर। सीएनजी कैसा है? सीएनजी जहरीला नहीं है और हवा से भी हल्का है, जिसके कारण व्हेन लीकेज अकर्स इट क्विकली डिसअपीयर्स। जिसके कारण अगर लीकेज हुआ तो जहरीला तो है नहीं, हवा से हल्का है तो क्विकली वो डिसअपीयर हो जाएगा, दिखेगा नहीं। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज अबाउट 40,700 किलो जूल पर मीटर क्यूब टू 41,200 किलो जूल केजी पर मीटर क्यूब। यहां पे मैंने मिस्टेक किया, यहां पे आप लोग किलो जूल कर देना, ठीक है। अच्छा, इसका कैलोरीफिक वैल्यू इतना है। कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि अगर मेरे पास एक मीटर क्यूब का सीएनजी है तो उसको अगर मैं जलाऊं तो जितनी भी हीट रिलीज होगी वो हीट को हम क्या बोल देंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। अभी हम देख कर। नेक्स्ट है सीएनजी इज यूज्ड इन कार एंड इन बसेस विथ ड्यूअल फ्यूल इंजन। कहां पे यूज होता है सीएनजी? कार्स में, बसेस में यूज होता है। उसमें क्या होता है? ड्यूअल फ्यूल इंजन होता है, यानी दो फ्यूल का भी हम यूज कर सकते हैं, पेट्रोल और सीएनजी। और आखिरी पॉइंट लिख लेना, इट इज स्टोर्ड इन अ स्पेशली डिजाइंड सिलेंडर एट अ प्रेशर ऑफ अबाउट 200 बार्स एंड 60 लीटर्स कैपेसिटी विच आर सुटेबल फॉर कार्स। यानी सीएनजी को अगर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए क्या जरूर पड़ेगी? स्पेशली डिजाइन सिलेंडर की जरूर पड़ेगी। और वो सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर रखना है हमें सीएनजी का? 200 बार जितना रखना है। और वो जो हमारी सिलेंडर है, टैंक है, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 60 लीटर्स तक होना चाहिए। और ऐसी टैंक जो होती है वो कार्स के लिए सुटेबल होती है। तो यहां तक लिखने पर एग्जाम में फुल मार्क्स हमें मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, डिप्लेशन लेयर क्या होता है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।